लाइए यह प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का क्वेश्चन है, देखते हैं। एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड 7 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करना है। तो हमारा टाइम दिया गया है 2 सेकेंड और एम द्रव्यमान दिया गया है 5 kg और ये फोर जो है यू दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकेंड और भी हमारा दिया गया है 7 मीटर प्रति सेकेंड। तो फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू एम ए, एम यहाँ यू और वी दोनों है, तो इसके लिए हमें ए इजिकल टू वी माइनस यू बाई टी यह फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे एम इजिकल टू वी एम एम वी माइनस यू बाई टी। एम का वैल्यू दिया गया है 5 मीटर, भी हमारा 7 है, 7 माइनस 4 यू 4 है और टाइम भी दिया गया है 2, इसको हम लोग हटाएंगे तो 5 × 3/2 तो उसके बाद 15/2 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा 7.5 आ जाएगा और एफ हमेशा न्यूटन में होता है। क्वेश्चन है जब जब 100 न्यूटन एफ हमारा दिया गया है 100, एक बल 50 kg द्रव्यमान एम हमारा दिया गया है किसी एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण एक्सेलरेशन ए हमें ए निकालना है, तो हो जाएगा एफ इजिकल टू एम ए। तो एफ का वैल्यू दिया गया है 100 न्यूटन, एम दिया गया है 50 kg, एफ फाइंड करना है, ये भागा में आ जाएगा आपका 50, तो ए इजिकल टू 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह हमारा आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 20 kg द्रव्यमान, तो 20 हमारा मास हो जाएगा एम और वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, तो ए हमारा दिया गया है, ए हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें बल निकालना है, एफ निकालना है, तो एफ इजिकल टू एम ए, एफ इजिकल टू एम ए, तो हो जाएगा 20 × 4 100, बल हमेशा न्यूटन में होता है।